नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 53। ऑल इंडिया इनकलाबी मिल्लत पार्टी में 100 से ज़्यादा ख्वातीन और कई दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखने वालों ने आज इनकलाबी मिल्लत पार्टी को ज्वाइन किया। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुक्रगुजार हूँ रफ़ी खान साहब का और अब्बासी साहब का और सदर साहब का, हिंदुस्तान सदर और साहब का, मैं तमाम लोगों के, समी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अकबाल आसिफ है, जो मैं हल्के हूँ। आज इनकलाबी मिल्लत पार्टी को ज्वाइन किया। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात। और जो मेरे को पार्टी बताई, इंशाल्लाह इस पे मैं काम करूँगा। और ये पार्टी किसी के भी बाप के MLA की नहीं है, किसी के बाप के MP की नहीं है। ये पार्टी एक आम पब्लिक की पार्टी है और इसमें ना किसी मज़हब का भी कोई रूल नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर लोग इसमें ज्वाइंट हो सकते हैं, आ सकते हैं, इसको मजबूत बना सकते हैं। और आने वाले हालात ऐसे चल रहे हैं जिसमें आप लोग को अगर पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग सोच भी नहीं है उधर काम करेंगे। क्योंकि आपकी मौजूदा हालत में कोई मंदिर के नाम पे, कोई मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहा, हमारा ये चीज़ नहीं है हमारी। हम और सिर्फ और एक मजलूम लोग के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और इनके लिए काम करेंगे। और कोई डरने की घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग डर रहे और घबरा रहे हैं पार्टी में आने के लिए। किसी से डरना का नहीं है, खौफ खुदा रखना है, खौफ दुनिया रखना नहीं है हमको। किसी के बाप से हमको डरना नहीं है। बिंदास पार्टी में आइए। और ये पार्टी का रूल्स ये है कि ये पार्टी किसी की नहीं है, ये आपकी और हमारी जमात है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की जमात है ये। दिल खोल के आइए और इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आने वाले दौर में हम जो भी काम करेंगे आवाम का काम करेंगे। आज के हालात जो देख रहे हैं, कहीं मंदिर टूट गई, कहीं मस्जिद टूट गई, कहीं आशूर खाना टूट गया, कोई पूछने वाला हाल नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, इसके जिम्मेदार कौन है? सब अपने अपने मुआ बनकर रखिए। हमको एक मरतबा मौका दीजिए, इंशाल्लाह ताला हर मजहब हम काम करिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुमताज़ सुल्ताना, सोशल वर्कर और कैरोप्रैक्टर। आज मैं ये पार्टी में जो है ऑल इंडिया इनकलाबे मिल्लत की महिला मंडल की प्रेसिडेंट हूँ। और मेरा ये पार्टी में ज्वाइन होने का मकसद ये था कि मैं अब तक जो है पार्टी में ज्वाइन नहीं हुई थी और खाली खिदमत अंजाम दे रही थी। लेकिन मेरा पार्टी में ज्वाइन होने का ये मकसद है कि महिलाओं को जितना हो सके मैं उनके काम आऊं और उनकी मदद करूं। और ऐसे काफ़ी इतने पॉलिसीज़ हैं, इतने स्कीम्स हैं और इतने प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे माशरे में देखिए ट्रिपल तलाक का मसला है, ऐसे ऐसे मसले हो गए हैं जो हमारे इस्लाम में दखल अंदाजी किया जा रहा है, हमारे इस्लाम में चेंजेस लाया जा रहा है और फिर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जैसा कि अब तलाक़ का रेशियो हमारा इतना इंक्रीज़ हो चुका है हमारे पास, तो मैं ये चाहूँगी कि एक महिला होने के नाते प्री मैरिटल काउंसलिंग के साथ साथ और आवाम की खिदमत करते हुए साथ साथ, और मैं चाहूँगी कि सारी औरतें जितने मुश्किल हैं लोगों को आगे आइए, मेरा साथ दीजिए। और ये पार्टी जो है इनकलाबे मिल्लत, ये पार्टी का मकसद एक ही है कि आम आदमी अपना नेता चुने और आम आदमी तक मसले मसाइल पूरे हो, ताकि हम लोग एक इनकलाब लाएं, हम लोग एक तब्दीली लाएं और हर घर पुरसकून से रहे। इतने मुशाकिल है और लेडीज़ इतने हैं जो टेलरिंग का कोर्स किए हुए हैं, जो ब्यूटिशन का कोर्स करे हुए हैं, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, जो इतने एजुकेटेड रहने के बावजूद भी इन तक इनको फैसिलिटीज़ नहीं दिया जा रहा है, ये लोग घर पर बैठे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आज 100 लोग ज्वाइन हुए। थोड़ा सा आज जो है कोरोना वायरस की चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा गैप्स देके वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें मैं ज़रूर आप लोगों को इनवाइट करूंगी और मैं तह दिल से मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। हाँ, मेरे पास देखिए अभी हम लोग हैदराबाद से स्टार्ट किए, लेकिन महबूब नगर है और बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर इंशाल्लाह मैं पहुँचूँगी लेडीज़ महिलाओं के लिए ख़ास करके। और जो ये मकसद हमारे AIMM इनकलाब पार्टी का है उसको हम कामयाब ज़रूर बनाएंगे। और मैं चाहूँगी कि सारे लेडीज़ आगे आए और मेरे साथ ज्वाइन हो,
ये मत सोचिए कि ये पार्टी सिर्फ हम लोगों के लिए है, नहीं है, ये पार्टी महिलाओं के लिए है। और मैं एक महिला होने के नाते आप लोगों को इनवाइट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए, ताकि हम लोग एक इनकलाब लाएं। और जो औरतें घरों में बैठी है, तालीम याफ्ता रह के हुनरमंद रहते हुए आज मजबूर है एक एक रुपये के लिए, तो मैं चाहूँगी कि हम लोग सब मिल के इकट्ठा हो जाए और सबके मुश्किल मशाकिल जो है हल हो जाए। इसी के साथ मैं आप तमाम मीडिया का शुक्र अदा करती हूँ। नेक्स्ट इसमें इंशाल्लाह जो है हम इससे भी बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे मेंबर्स बनते जाएंगे और हम इनकलाब पार्टी को कामयाब बनाएंगे। और हर एरिया में हम चाहेंगे कि हमारा अपना एमएलए हो, हमारा अपना कॉपरेटर हो, ताकि जो पब्लिक चूज़ करे उनको। और महिलाएं आगे आइए, टैलेंटेड लोग हैं, सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। साथ डर छोड़ के आप लोग ज्वाइन होइए। जब मैं ज्वाइन हो सकती हूँ कि आप लोगों के मसलों के लिए, तो आप लोग भी प्लीज़ ये पार्टी के साथ ज्वाइन होइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मोहम्मद मुश्ताकुद्दीन, मैं पहले TGS में था, माइनॉरिटी कमेटी स्टेट। अभी जो है इनकलाब मिल्लत पार्टी ज्वाइन करा, इसकी ख़ास वजह यह है कि हर पार्टी में जहाँ भी जाओ, क्योंकि हमारा ख़ानदानी ताल्लुक कांग्रेस से था, मेरे मामू MLA के इलेक्शंस भी लड़े थे, हम लोग कांग्रेसी थे। लेकिन कांग्रेस हो, TGS हो, TRS हो, या कोई भी पार्टी हो, हमारी जो औकात है वहाँ पर, हमारा जो पोजीशन है सिर्फ़ एक वर्कर की तरह है। चाहे हम कितने भी सीनियर बोल लो, अपने आप को पुराने बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ पर अखिलियतें, अगर हम बात करें मतलब मुस्लिम्स के अलावा भी, दलित हो या जो भी माइनॉरिटी हो, उनका कोई रोल कोई पार्टी में बड़ा नहीं है। बस बात, अब मैं प्रेसिडेंट साहब के करीब था TGS में, लेकिन फिर भी हमारा रोल एक कोने में करके रख दिए थे, बस माइनॉरिटीज़ को देख लेना। माइनॉरिटीज़ का अगर कहीं बात डिस्कशन है, मस्जिदों में जाओ या जो भी डिस्ट्रिक्ट, हम पूरे फिरे इलेक्शन में पिछले, तो वो एक साइड में करके रख देना जो है, हर पार्टी का एक रूल बना हुआ है। रूल करने के लिए जो लीडर्स बनना है वो चुने हुए लोग हैं। अब सबको मालूम है, बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, बस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, बस वही लोग रूल करेंगे। और हमारी जो पार्टी थी या क्या बदनसीबी से जो चल रही है 70 साल से, वहाँ यह है जो पार्टी पावर में रहती उनकी ग़ुलामी में चले जाते, उसके बाद उनके बंदर बन के रह जाते, जो कठपुतली की तरह जो है उनको नचाता। चाहे वो कांग्रेस थी तो कांग्रेस के साथ थे ये लोग, BJP है तो आज सेंटर में BJP के साथ है, या TRS है तो TRS के साथ। इसकी वजह यह है, इनको सिर्फ अपना उल्लू ठीक करना है, अपने ब्लैक मनी को, अपने जो भी गैर कानूनी धंधे हैं उनको बचाना है, तो इनको पावर वाली पार्टी के साथ रहना ज़रूरी नहीं है। इनका कौम के साथ, मिल्लत के साथ, या जैसे कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इनका कोई लेना देना नहीं है वो बातों से। इनका मतलब है आपके नाम पे, आपके जो है वजह से या आपके वसीले से वोट हासिल कर लेना, पावर में आना, उसके बाद अपने घर भरना है। खैर, हम लोग तो खैर इस पर रिसर्च करे हुए हैं, उसको खैर आज ज़रूरत नहीं है बात की ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहली बात मैं शुक्रगुज़ार हूँ इनकलाब मिल्लत पार्टी का, शुतारी साहब का और खबीब भाई का ख़ास तौर पे, जो मेरे को ये मौका दिए यहाँ आने के बाद, यानी मेरे को पोजीशन दिए। मैं इस लायक हूँ नहीं हूँ वो तो खैर अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन फ़िलहाल ये है कि एक खुशी है कि मैं आ गया ऐसी पार्टी में जो अवाम की पार्टी है, ये पब्लिक की पार्टी है। और इनकलाब मिल्लत, ये जो पार्टी का नाम रखे बड़े लोग, उनकी वजह यही है कि मिल्लत में इनकलाब की ख़ास तौर पे ज़रूरत है। 70 साल 72 साल से सो रहे हैं खाली, कौम सोरी इलेक्शन के वक्त यूज़ करते, वोट यूज़ कर लेते हमारा, चाहे वो पैसे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल खबी अब्बासी, हाई कोर्ट एडवोकेट, ट्रेजरर ऑल इंडिया मल्ली से इनकलाब मिल्लत पार्टी स्पोक्स पर्सन पार्टी का आपके सामने मुखातिब कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज ये शमूलियत का प्रोग्राम था, हमारे बीच में काफ़ी लोग जो है सो ज्वाइन हुए हैं पार्टी में, 100 की तादाद में ज्वाइन हुए हैं। हमारा आसिफ साहब MBT के बहुत ही मशहूर कारकुन, MBT के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, आज हमारी पार्टी में 100 लोगों के साथ शमूलियत करे हैं। हमारे मुश्ताक साहब तेलंगाना जनसमिति के वाइस प्रेसिडेंट है स्टेट के, आज हमारी पार्टी ज्वाइन करे हैं। और महबूब नगर के लोग अभी रवानगी करे, क्योंकि उनकी बस थी, वो काफ़ी लोग आए थे, वो लोग भी यहाँ पर ज्वाइन हुए। ये बहुत खुशी की बात है, खुशनसीब है हमारी पार्टी की कि लोग चल के आ रहे हैं, इनकलाब चाह रहे हैं। लोगों में इनकलाब की फितरत आ चुकी है, लोगों घर घर इनकलाब, हर घर इनकलाब आने वाला है। ये फैसला आप लोगों को करना है कि आने वाले इलेक्शन में आप लोग किसका साथ देने वाले हैं। एक तरफ तो है मस्जिद के सौदागर, एक तरफ है मस्जिद को
तोड़ने वाले एक तरफ है, मस्जिद का गुत्तेदार एक तरफ है, मस्जिदों को बचाने वाले, आपको फैसला करना है या मस्जिदा तोड़ने वालों का साथ देना है या मस्जिदा बनाने वालों का साथ देना है। ये आप लोग अल्लाह ताला ने आपको जैसे गैयूर मुसलमान हैं, आप बहादुर मुसलमान हैं, आप ईमान वाले मुसलमान हैं, आप लोगों को चाहिए कि एक ऐसा फैसला करें कि आने वाले हालात में आपका वोट आपका मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, तेलंगाना का मुस्तकबिल है। तो आप लोग आगे बढ़ के आइए और अपना वोट जो है सही पार्टी को दीजिए ताकि आपके बच्चों को आप जो है सो कमिटमेंट कर सके कि आने वाले हालात में इनकलाबी जो है सो आपका नारा रहेगा, पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब आएगा। आप देख रहे हैं एक असरा दवाखाना है यहाँ पर जिसको जो है सो सालाना 3 करोड़ जो है सो निज़ाम ट्रस्ट से मिलते हैं, कई के लिए मिलते हैं गरीब लोगों की जो है सो इलाज के लिए मिलते हैं, लेकिन आज वहाँ ऐसे हालात है कि वहाँ के अगर किसी का इंतकाल होता है किसी की मैयत को देना है तो लाखों रुपये देना पड़ता, अगर नहीं देना है तो आप अपनी गाड़ी वहाँ पर रख देना पड़ता, आपके टेलीफोन रख देना पड़ता, आपका जेवर रख देना पड़ता जब तक कि ये अपनी जो है सो मैयत को नहीं देते। तो ऐसा यहाँ पर एक जालिम हुकूमत है, ओल्ड सिटी की एक छोटी सी जमात है जो अवेसी के चलाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनकलाब लाइए, आप अपनी जमात बनाइए, आप अपने हाथ जोड़िए, आप अपने आप को स्ट्रांग बनिए। इनकलाब एक हमारा नारा है, पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब आएगा इंशाल्लाह ताला। आप देख रहे हैं बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई है और मुसलमान